हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के फिजिक्स चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, सब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आता है प्रकाश। सबसे पहले आता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है। जैसे हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं तो हमें प्रकाश का की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम मार्कर को देख रहे हैं तो इसके लिए हमको देखने के लिए हमको प्रकाश का जरूरत पड़ेगा। ठीक, जैसे और किसी भी वस्तुओं को देखते हैं तो हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम उस वस्तुओं को देख नहीं सकेंगे। जैसे कमरा है, ठीक, तो पूरा अंधेरा है, उसमें हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको प्रकाश का जरूरत पड़ेगा। प्रकाश अगर उस रूम में है तब फिर हम उस वस्तुओं को देख पाएंगे, उस किसी भी वस्तुओं को देख पाएंगे। अगर प्रकाश उस कमरा में नहीं है तो हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। यानी प्रकाश हमको किसी भी वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है। ठीक, तो देखते हैं प्रकाश का डिफिनेशन क्या बोलता है। प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है, यानी प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है। हमें आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है। हमको दिखा रहा है प्रकाश की मार्कर है, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमको ये दिखा रहा है कि मार्कर है, ये मार्कर है, लेकिन प्रकाश हम नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमको दिखा रहा है कि मार्कर है, ठीक, लेकिन हम मार्कर प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। हम किसको देख रहे हैं, मार्कर को। ठीक, प्रकाश हमको क्या करता है, किसी भी वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है। आगे आता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, यानी मुड़ता है। ठीक, रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, मुड़ना, तो कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, तो जैसे हम मार्कर को हम देख रहे हैं, तो इसका तो खुद का लाइट नहीं है अपना, इसका खुद का लाइट अपना नहीं है, तो हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे हमको ये दिख जाता है। तो इसमें जो जैसे LED से लाइट आ रहा है इसमें, या फिर दिन का लाइट है, सूर्य से लाइट आ रहा है, इसमें जो लाइट आ रहा है उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों के अंदर, रेटिना के अंदर जाता है, रेटिना में प्रवेश करता है, जिसके कारण हम इस वस्तुओं को देख पाते हैं, ये मार्कर को देख पाते हैं। किसी भी वस्तुओं को हम देखते हैं किस कारण से, प्रकाश के परावर्तन के कारण से। प्रकाश का परावर्तन अगर नहीं होगा तो हम उस वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। जैसे प्रकाश की किरण उस पर पड़ रहा है, किस पे, जैसे मार्कर है, इस पर प्रकाश की किरण आ रहा है, तब हम इसको देख पाते हैं। यानी प्रकाश की किरण आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में, यानी रेटिना में इन कर रहा है, तो हम इस वस्तुओं को देखते हैं। अगर इसमें लाइट नहीं आएगा, आने वाली किरण नहीं आएगा, इसमें लाइट नहीं आएगा, तो हम इस वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। यानी इसमें लाइट आ रहा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जा रहा है, तब हम इस वस्तुओं को देखते हैं। तो वही है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, ठीक, तो जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये सतह है, क्या है, सतह है, तो जब प्रकाश की किरण लाइट यहाँ से आया, ठीक, लाइट यहाँ से आया, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में लौट आए, यानी इसी माध्यम में फिर लौट गया, ही माध्यम वही रहा लेकिन क्या हो गया, लौट गया, टकरा के लौट गया, ठीक, लौट आए, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी यही लौटने की प्रक्रिया को, यहाँ से प्रकाश गया फिर लौट गया, तो इसी की प्रक्रिया को, यही प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। तो इसका बड़ा सा डायग्राम हम लोग देखते हैं कि इसमें इसको क्या कहते हैं। जैसे प्रकाश आ रही है तो आने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे, प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक। जैसे इस सतह है तो सतह को क्या बोलेंगे, तो देखते हैं आगे इसका डायग्राम बड़ा सा बना के तब फिर समझाते हैं। तो देखते हैं डायग्राम को, डायग्राम क्या है, ठीक। तो डिफिनेशन क्या था प्रकाश का परावर्तन का, कि जब
प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, यानी ये सतह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह, या पृष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तक किसी भी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, यानी वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश आ रही है सतह से, आ रही है सतह पे डायरेक्ट जो पड़ रही है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और उस यहाँ से जो टकराने के बाद जाने वाली किरण है, यानी लौटने वाली किरण है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब ये दोनों के बीच में हम एक 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या है नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, परपेंडिकुलर, ये क्या है अभिलंब, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब, परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये अभिलंब के और आपतित किरण के साथ जो कोण बनाए, अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आई, इसको क्या बोलेंगे, एंगल आई, ठीक। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाए, उसको क्या बोलेंगे, एंगल आर, यानी कोण आर, ठीक, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। आई क्या हो गया, आपतन कोण, यानी आई हो गया आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। आर हो गया, आर क्या हो गया यहाँ पे, परावर्तन कोण, परावर्तन कौन, ठीक, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कौन। आर को क्या बोलेंगे, परावर्तन कौन। अब जिस बिंदु पर, जैसे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराए और उसके बाद जो परावर्तित होती है, यानी परावर्तन जिस बिंदु पर होती है, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे टकराने के बाद पुनः लौट जाए, उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, और आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, परावर्तन कौन, आपतन कौन, ये सब क्या होता है, इसका डिफिनेशन को सबसे पहले हमारे पास आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आगे सबसे पहले हमारे पास आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक। तो जैसे इस सतह था, आ रहा था किरण, फिर क्या हो रहा था, लौट रहा था, तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते थे, आपतित किरण में आने वाली किरण को। तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को, जैसे ये सतह है, इस पर जो पड़ रहा है किरण, डायरेक्ट आ रहा है जो आने वाली किरण, या फिर पड़ रहा है, तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस सतह पर ये किरण पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक।
इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया इंसिडेंट रे। आगे आता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी परावर्तन के बाद पश्चात, यानी परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जो किरण सतह से वापस लौटती है, यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ आके यहाँ बिंदु पर, ई बिंदु पर परावर्तन हुआ, यहाँ फिर लौटा, लौटा तो इसको क्या बोलेंगे, कौन किरण, परावर्तित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। आगे आता है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर मेरा क्या हुआ परावर्तन हुआ, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, इस बिंदु पर सतह से आके टकराया फिर क्या हुआ मुड़ गया, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। जिस बिंदु पर आपतित किरण, आने वाली किरण सतह से टकराती है, यानी सतह से टकरा गई और फिर क्या हो गई मुड़ गई, तो जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। आगे देखते हैं कि आपतन कौन और परावर्तन कौन क्या होता है, उसका डिफिनेशन को देखते हैं, ठीक। आगे है हमारे पास कि अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए, खींचे हुए लंब बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपतित किरण था, यहाँ पे आया था, इस पे जो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी 90 डिग्री का जो लाइन डालेंगे, 90 डिग्री का यहाँ पे लाइन डालेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे अभिलंब, इसी को बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। ई टू लाइन को क्या बोलेंगे अभिलंब, ये कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, सतह से 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक। किसी समतल सतह से, समतल सतह ही था, समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींचे हुए, यानी इस बिंदु पर खींचे क्या लंब, लंब कितना डिग्री का खींचते हैं 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का लंब खींचे तो लंब बिंदु पर अभिलंब होता है, यानी इस बिंदु पर क्या होता है अभिलंब होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। आगे आता है आपतन कोण, यानी इस ये जो कोण बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे कोण आई, इसको क्या बोलेंगे एंगल आई। तो आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण ई हो गया, आपतन बिंदु ई हो गया, आपतित किरण ई और आपतन बिंदु यहाँ पे, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए, खींचे हुए यानी ये जो लाइन खींचे हैं, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, यानी आपतित किरण और अभिलंब जो खींचे इसके बीच का जो कोण बनता है, यानी से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, यानी ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है, जैसे ये कोण आई बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे आता है परावर्तन कोण, यानी ई वाला कोण, इसको हम लोग बोलते हैं कोण आर, यानी रिफ्लेक्शन, यहाँ क्या था आई इंसिडेंस, तो इंसिडेंस आई से इसको रिप्रेजेंट किए। आगे आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन कोण, ये कौन कौन है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, ठीक, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जैसे देखिए परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, यानी आपतन बिंदु पर यहाँ इस पर जो खींचे गए अभिलंब, इस पर जो अभिलंब खींचे उसके साथ जो, यानी अभिलंब से जो कोण बनाती है, यानी इसके साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे परावर्तन कोण। इसमें सिर्फ आपतित किरण यहाँ पे है, इसमें परावर्तित किरण यहाँ पे है, यही चेंज है, और इधर सब सेम है, दोनों का डिफिनेशन सेम है, इसमें भी आपतित किरण, इसमें परावर्तित किरण, क्या कि यहाँ पे आपतित किरण के साथ कोण बना रहा है कौन अभिलंब, और इसमें परावर्तित किरण के साथ अभिलंब कोण बना रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, एंगल आई और एंगल आर क्या होता है दोनों बराबर होते हैं। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या क्या है,
नियम के बारे में जानते हैं, तब फिर उसके बाद हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लेंस पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। हमने देख लिया कि परावर्तित किरण क्या होते हैं, आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ठीक, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसका आगे है हमारे पास प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या क्या नियम है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसका नियम क्या क्या है। तो नियम है, सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर नियम है आपतन कोण, यानी जैसे ये था सतह था, इससे आने वाली किरण फिर आपतित किरण टकरा कर चली गई, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो देखिए आपतन कोण यानी ये जो कोण बनता है यहाँ पे आई, आपतन कोण यही होता है आई, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कोण आई और कोण क्या होगा आर, हर टाइम बराबर होगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी ये दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हर टाइम यानी सदैव बराबर होंगे, ठीक। दूसरा नंबर पॉइंट है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये क्या है आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण यानी आपतित किरण ही हो गया, परावर्तित किरण ही हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, यानी इस बिंदु से जो अभिलंब खींचे, ठीक, यहाँ से इस बिंदु से जो अभिलंब खींचे, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसी तल में होता है, यानी एक ही तल में आया फिर गया और ये अभिलंब भी इसी तल में, यानी सबका तल कौन सरफेस एक ही होना चाहिए, ठीक। आपतित किरण का भी, परावर्तित किरण का भी और अभिलंब का भी, तीनों का सरफेस एक ही होना चाहिए, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन का इतना था। आगे हम लोग देखते हैं दर्पण क्या होता है, दर्पण के टाइप देखेंगे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, ये सब के बारे में देखते हैं। हम लोग मिरर में देखते हैं सबसे पहले समतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, ठीक। तो समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, यानी जिसका परावर्तक सतह यानी सतह जो क्या हो समतल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण, ठीक। इसका उपयोग भी देख लेते हैं, उपयोग क्या है। तो इसका सबसे पहले उपयोग है, इसका उपयोग है होता है नंबर एक, इसका सबसे पहले उपयोग होता है हम लोग जो आईना यूज करते हैं फेस देखने के लिए, ठीक। तो लुकिंग ग्लास सबसे पहले यूज होता है इसमें, समतल दर्पण का यूज होता है आईना में, किसमें आईना में, लुकिंग ग्लास किसमें यूज होता है आईना में, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या समतल हो यानी पूरा समतल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे समतल दर्पण कहेंगे। जैसे आईना का परावर्तक सतह क्या होता है समतल होता है, उसमें हम लोग फेस देखते हैं, जितना हम लोग का साइज रहता है, जितना हम लोग का फेस का साइज रहता है उतना हम लोग को उसमें दिखता है, यानी उसमें आकार क्या होता है सेम रहता है, यानी जितना मेरा आकार है उसमें आकार हमको उसमें दिखेगा, जितना दूरी पर हम दर्पण से दूर रहेंगे उतने दूरी पर मेरा प्रतिबिंब भी उससे दूर रहेगा। मान लिया जाए यहाँ पे मेरा दर्पण है, ठीक, क्या है समतल दर्पण, इससे हम अगर एक मीटर की दूरी पर रहें, ठीक, इससे हम एक मीटर की दूरी पर अगर रहेंगे तो मेरा प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो भी मेरा इमेज एक मीटर की दूरी बनेगा, यानी समतल दर्पण से हम जितनी दूरी पर रहेंगे मेरा इमेज भी उतनी ही दूरी बनेगा, और जिस साइज का हम रहेंगे उसी साइज का मेरा क्या बनेगा इमेज बनेगा, ठीक है। तो जिस साइज का हम रहेंगे उसी साइज का मेरा
इमेज बनेगा, यानी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा और साइज में परिवर्तन नहीं होगा। आकार साइज वही हुआ, आकार में परिवर्तन नहीं होगा और डिस्टेंस में, जैसे हम 1 मीटर की दूरी पर हैं तो मेरा इमेज भी कितना 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। टोटल यानी इमेज और मेरे और इमेज के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, टोटल 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर, यानी बीच में क्या हो गया, ये समतल दर्पण है तो 1 मीटर हम उससे हैं, किसे दर्पण से दूरी पर हैं, तो मेरा प्रतिबिंब भी 1 मीटर अंदर बनेगा, ठीक है। यानी इसमें आकार कोई परिवर्तन नहीं होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसमें क्या था समतल था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, पहला है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक। गोलीय दर्पण आपने समझ चुका होगा कि गोलीय दर्पण क्या होगा, हुआ समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण भी समझ गए होंगे। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस गोलीय दर्पण हो गया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे, यानी स्फेरिकल मिरर। और समतल दर्पण वही हो गया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण। इसमें आकार सेम होता है, यानी प्रतिबिंब का साइज जो होता है, इमेज का जो हम लोग का साइज बनेगा वो वस्तु के साइज का बनेगा, ठीक। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आईना में, यानी लुकिंग ग्लास में, ज़्यादातर इसका उपयोग किस में होता है, आईना में, लुकिंग ग्लास में। आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, डिटेल्स में देखते हैं। पहले आता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, जैसे देखिए ये बना दिया हमने, ठीक, गोले के केंद्र की ओर, एक कोई गोला का पार्ट होगा कि नहीं होगा, जैसे हम इसको दूसरा कलर से बना देते हैं, जैसे ही ये एक गोला का तो पार्ट होगा, ठीक, ये जो हमने बनाया ये तो कोई गोला का पार्ट होगा, ठीक। गोले के केंद्र की ओर, यानी इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी इसका क्या परावर्तक पृष्ठ किधर हो, केंद्र की ओर हो, ठीक, वक्रित हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ये हुआ, ये धसा हुआ रहे, ये क्या है, यहाँ पे धसा हुआ है, ये परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहे और इसका पॉलिश पेंट उसके
अपोजिट साइड में क्या रहे, यानी परावर्तक सतह जो है उसके अपोजिट साइड में उसका पॉलिश क्या हुआ रहे, ठीक। केंद्र की तरफ नहीं, केंद्र के अपोजिट साइड, यानी गोला का जो केंद्र है उसके अपोजिट साइड में उसका पॉलिश क्या हुआ रहे और उसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ रहना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है या फिर परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, परावर्तक सतह धसा रहता है, यानी ये धसा है, ये क्या है, धसा है, टेढ़ा है, ठीक, अंदर ढुका हुआ है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहे, धसा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, यानी परावर्तक पृष्ठ कौन है, काला वाला, यानी परावर्तक पृष्ठ। एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ, एक गोला का हिस्सा है, इसका ये गोला है, एक गोला का हिस्सा है, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, यानी इसका केंद्र इधर है, केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी किधर हो, परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर हो, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। और इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको अवतल दर्पण को, और क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण या फिर कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक, कहा जाता है। इसका उपयोग क्या क्या है, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या क्या है, यूज हम लोग देख लेते हैं, यूज क्या है। तो सबसे पहला यूज है मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार का जो हेडलाइट होता है आगे वाला, जिससे गाड़ी चलती है, मेन लाइट जो होता है आगे में, तो उसमें इसका यूज किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, जो आगे में लगा रहता है बड़ा सा, ठीक। नंबर टू, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का, सोलर कुकर यानी खाना बनाने वाला जो होता है। नंबर तीसरा, टॉर्च में, टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है, लाइट आता है, ठीक, सी हो गया, इस सी और एफ भी सब बताएंगे, सी एफ क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सब डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ से लाइट जैसे आया, ठीक, बहुत सा लाइट आया, लेकिन सब फिर मुड़ के सब कहाँ, फोकस से गुजर जाता है, सब एक जगह से गुजर जाता है, यानी क्या, एक जगह से इकट्ठा होकर चला जाता है, सब जमा हो जाता है, तो उसमें किस में, अवतल दर्पण में, जैसे टॉर्च में, टॉर्च में क्या होता है, एक जगह फोकस बन जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। टॉर्च का डायग्राम कैसे होता है, जैसे आगे में लगा हुआ है, आगे में उसका ग्लास लगा हुआ है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इसमें एलईडी लगा रहता है, ठीक, इसमें एलईडी लगा है, तो यहाँ से जो प्रकाश निकला, यहाँ से जो प्रकाश निकला, ठीक, तो क्या होता है, एक जगह से निकलता और उसका फोकस क्या रहता है, एक जगह रहता है, इन की पूरा एकदम फैल के रहता है, तो उसका फोकस एक जगह रहता है। अवतल दर्पण क्या करता है, आने वाली प्रकाश को एक जगह छोटा कर देता है, यानी बहुत सारा मात्रा में आता है प्रकाश, लेकिन उसको एक जगह फोकस करके वो छोटा कर देता है। तो टॉर्च में क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश निकला, यानी इसका निकलेगा जो प्रकाश वो क्या होगा, सीधा एक जगह निकलेगा, फोकस उसका क्या बनेगा, एक जगह बनेगा। कार का भी वही होता है, मोटर कार का हेडलाइट में जो मिरर का यूज होता है उसमें भी एक जगह फोकस बनता है, जिसके कारण ड्राइवर अच्छा से गाड़ी चला पाता है, अन्यथा जैसे पूरा रोड जैसे लाइट करेगा, पूरा सड़क लाइट करेगा, एक रंग लाइट करेगा, तो उससे क्या होगा, मेन फोकस नहीं बन पाएगा, जिससे पता नहीं चल पाएगा। टॉर्च में भी वही होता है, सोलर कुकर में एग्जैक्ट जिस जगह हमको चाहिए लाइट उस जगह हमको मिलता है, ठीक। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सूर्य इस जगह सन लगा दिए, सन का लाइट आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे इसका लाइट क्या होगा, फोकस पे मेन पॉइंट पे पड़ेगा, तो फोकस पे मेन पॉइंट पे पड़ा, इस जगह हम लोग अगर छोटा पेपर रख दिए, क्या रखेंगे, छोटा पेपर रख दिए, तो उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा, ठीक, क्या कि सब अवतल दर्पण क्या कर रहा है, एक जगह सब लाइट को एक जगह फोकस कर रहा है, यानी एक जगह एफ बिंदु पर, यानी मुख्य फोकस पर सब लाइट को ले जा रहा है, इस जगह जो ले जा रहा है, तो इस जगह क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश हो जाएगा, तो उस जगह हम लोग अगर पेपर को रखेंगे तो उसमें आग पकड़ जाएगा, ठीक है। तो टॉर्च में किस दर्पण का यूज होता है, तो टॉर्च में हम लोग का यूज होता है अवतल दर्पण का, ठीक। सोलर कुकर हो गया, टॉर्च में भी अवतल दर्पण का यूज होता है, क्या कि हमको टॉर्च का लाइट जो चाहिए एक जगह फोकस चाहिए, यानी किसी भी
पार्टिकल्स को देखने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको एक जगह फोकस की आवश्यकता पड़ती है, लाइट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाएंगे कि क्या है। ठीक, आगे में जो लगा रहता है वो तो फाइबर का लगा रहता है, किसी में ग्लास का लगा रहता है, वो मायने नहीं रखता है कि कौन मिरर है। ठीक, वो सिर्फ धूल को बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक, उसके अंदर में जो लगाया जाता है यानी वो जो चमकने वाला पार्ट रहता है जो ब्राइट करता है, चमकता है। ठीक, तो उसमें उसी का मेन रोल है, यानी उसी से क्या होता है, मेन फोकस बनता है, यानी उस दर्पण का, उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। आगे हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ रहे, किधर, बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ रहे। जैसे हम लोग बनाते हैं तो सर्कल से बना लेते हैं, ठीक, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा, जिस गोला का ये पार्ट होगा इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, तो किधर उभरा हुआ रहे, वक्रित या उभरा हुआ रहे, बाहर की ओर, बाहर की ओर उभरा हुआ रहे। ठीक, इसका जब भी पॉलिश होगा किया हुआ रहेगा वो अंदर की ओर रहेगा, केंद्र की तरफ, उसमें केंद्र की तरफ नहीं लेकिन इसमें केंद्र की तरफ रहेगा। इसका परावर्तक पृष्ठ जो रहेगा केंद्र से बाहर की तरफ रहेगा, यानी परावर्तक पृष्ठ इसका क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। उसमें क्या था, परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ था, इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उभरा हुआ रहे तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ है, उठा हुआ है, जिसका उठा हुआ रहे, ठीक, और जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहे, उठा हुआ रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ रहे, क्या रहे, अंदर धसा हुआ रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक, परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ रहे तो उसको क्या बोलेंगे, उभरा हुआ रहे तो उत्तल दर्पण, और धसा हुआ रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक, तो उत्तल दर्पण को हम लोग इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी के साइड में जो लगा रहता है पीछे देखने के लिए, बैक देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक, उसमें किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे लाइट आ रहा है, ठीक, लाइट आ रहा है, ये तो यहाँ पे सी हो गया, ये सब भी बता देंगे क्या होता है, सी एफ क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। जैसे यहाँ से लाइट आ गया, इसमें क्या होता है, फैल के लाइट चला जाता है, यानी आपतित किरण जो गया फिर परावर्तित किरण क्या हो गया, फैल गया, क्या हो गया, फैल गया। ठीक, तो इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, मोटर गाड़ियों के साइड लाइट में, यानी उसमें क्या होता है, साइड मिरर में करते हैं, सॉरी साइड लाइट में नहीं, साइड मिरर में करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत, अगर बड़ा गाड़ी है, बहुत बड़ा ट्रक है, तो उसमें हमको कैसे दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, वो छोटा सा मिरर में हम लोग को पूरा बड़ा ट्रक दिख जाता है। अगर बहुत बड़ा दिखे, इसमें बहुत प्रकाश आ रहा है, यहाँ से कम कम जा रहा है, फैल जाता है वो, तो हमको ट्रक जो दिखता है उसमें बहुत बड़ा दिखता, बड़ा बड़ा रहता है लेकिन दिखता है कैसे, छोटा। अगर उस जगह हम अवतल दर्पण का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का नहीं करेंगे, अवतल दर्पण का करेंगे, तो हमको ट्रक क्या होगा, बहुत बड़ा दिखेगा, यानी ट्रक जो है उससे भी बहुत गुना बड़ा दिखेगा, तो क्या होगा, लगेगा बहुत टेढ़ा आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट उससे छोटा लगे दिखने में, यानी जितना बड़ा है उससे में हमको ट्रक भी आ जाए, अगर उसके बगल में साइड में कार है वो भी हमको दिख जाए, तब ना हम उसको साइड दे पाएंगे, अन्यथा उसको साइड कैसे देंगे। तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल का करेंगे तो ट्रेन बहुत बड़ा बन जाएगा, यानी ट्रक जो है ट्रेन के साइज का हो जाएगा, हमको लगेगा ट्रेन आ रहा है, लेकिन और फिर हमको जैसे कार रहे तो हमको नहीं दिखेगा, बाइक रहे और नहीं दिखेगा। ठीक, तो उसमें हमको यूज किया जाता है, हम लोग सड़क के ऊपर परावर्तक के रूप में, तो उसमें टॉर्च में यूज करते थे अवतल दर्पण को, इसमें सड़क के ऊपर, जैसे सड़क में लगा रहता है एक लाइट खंबा है, इसमें एक लाइट लगा रहता है, ठीक, यहाँ पे एलईडी है, यहाँ पे अवतल उत्तल दर्पण का यूज होता है, कौन दर्पण का, उत्तल दर्पण,
क्या कि हमको सड़क में जो चाहिए लाइट, एक जगह नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए पूरा सड़क चाहिए, पूरा फैला हुआ चाहिए, एक जगह हमको मुख्य फोकस नहीं चाहिए, एक जगह हमको लाइट नहीं चाहिए, हमको कहाँ चाहिए पूरा सड़क में लाइट चाहिए। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण। क्या कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो लाइट आता है उसमें पूरा फैल जाता है। जैसे यहाँ से LED जल रहा है, ठीक, ग्लो किया, ये LED क्या हुआ, ग्लो किया, तो ये क्या होगा, फैल जाएगा पूरा लाइट, इसका क्या होगा, फैल जाएगा, जिससे पूरा चारों साइड एक तरह का रोशनी हो जाएगा। अगर इस जगह हम लोग अवतल दर्पण का यूज करेंगे तो हमको एक जगह लाइट मिलेगा जिससे हमको परेशानी हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको सब जगह लाइट एक्यूरेट चाहिए, इसलिए हम लोग सड़क के लैंपों में किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे हमको सब जगह एक रंग का लाइट मिल पाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फैला हो जाता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक। इतना पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, फैला हो जाता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक। तो इसके आगे पार्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण में दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, ध्रुव क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, अगले इसी टॉपिक के वीडियो में, यानी इसी का पार्ट 2 वाला वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।